मुस्तार लेके तुमने कबूतरों की शान में कशी का बयान। और सुनाओ? बस ठीक हूँ यार, ठीक हो? मैं कहता हूँ निकल ले। क्यों? यार पता नहीं है ना, इस घर में कद्दू पत की जंग शुरू हुई। अरे यार इस देखो, नहीं अब देखो, इसका इतना भी हक नहीं है इस खानदानी परिंदे का। अरे यार कितना अच्छा तारीखी परिंदा है ये, कितना खूबसूरत। अब इसका देखो, नहीं ज्यादती होगी अगर हमने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इस पर इसकी तवा पे खर्च ना किया। बस ऐसे शौक खर्च कीजिए, ठीक है? दिखाइए, देखो देख, छोर मत देना। नहीं नहीं हाँ, और क्या हो चला, इसकी चोंच मुंह में लेके देखो कितना प्यार करने वाला जानवर है। ठीक है ना? हाँ ये नो का देखो देखो ये देख। ये मिर्ज़ा एक ना एक दिन तुम्हें कबूतरबाज बनाकर छोड़ेंगे। असल में बात ये है, रोशन आरा मिर्ज़ा साहब इधर से गुजर रहे थे, बस एक बात करने के लिए रुक गए। वो भाभी मैं कुछ नए कबूतर लाया था, मैंने सोचा इनको देखने की दावत देता चलूं। शेराजी साहब जी जी, क्यों नहीं सुनिए, मुझे बुला। हाँ सुन लीजिए, चलिए मिर्ज़ा साहब के कबूतर देखाइए। शुक्रिया। रुको मिर्ज़ा। हाँ तू निकल में आता। अच्छा देख ले, खत कबूतर, खत कबूतर किस तरह ले जाए वहां यार, पर उतरने को लगी है कैंचियां दीवार को। ऐसे रोशन आरा गुस्सा तेरे नाक पे धरा रहता है, आज झूठे का दिन है। मिर्ज़ा साहब गुस्सा करने जा रहे थे, बात करने क्या आज? अरे मियां जरा मुझे ये बताइए जी, ये वही मिर्ज़ा साहब है जिनको दुनिया भर की ज़बान मिर्ज़ा साहब कहते नहीं थकती। बेगम मैं समझ गया हूँ आपका इशारा किधर है। बस ठीक है मिर्ज़ा, बेगम आज के बाद मैं मिर्ज़ा साहब को इस घर में नहीं आने दूंगा। आखिर ये शरीफों का घर है, उनसे कह दूंगा अगर हमारे घर में आना है तो कम अज कम शेरवानी और टोपी जरूर पहन कर आए। आखिर ये शरीफों का घर है, किसी आए घर का नहीं। ये कुछ शरीफों का घर है, वाकई शरीफों का घर है भैया, कुछ सेवा है शरीफों के घर आने का? हुलिया उनका देखा है, चंबा मारे मुंह उठाते और चले आते हैं, हाथ हो गए। और आप कभी अभी वो कहीं नजर आ जाए ना तो आप भी उन्हीं के हो रहोगे। बस बेगम जाइए, आप गुस्सा नहीं कीजिए, जाइए आपका वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, हाथ धो गए। चल भाई रोशन आ रहा। हाय हाय क्या हुआ? हाय चुप करो, जा रही हो? जाना है? हाँ ऐसे ही पूछा था मैं, क्यों जा रही हूँ मुझे अकेला छोड़कर? नहीं मैं जन्नत में जा रही हूँ, जाना? नहीं मैं यहाँ ही जन्नत में हूँ। चल बे शेराजी नहा ले, इससे पहले कि बेगम आ जाए। बोले बे दोस्तों को, अच्छे भले इंसान का मजाक बना के रखती है।
ओ मोहे मजाक बना दिया, जिंदगी जीरन करके रखती है। हाय हाय मेरा सराता फिर कहाँ चला गया, कम बखत मारे मुझे रंजू। बेगम साहबा बेगम साहबा एक बात करनी है आपसे। वो लेकिन डर लगता है बेगम साहब। डर लगता है? हाँ वो कद्दू पका हुआ निकल आया। अरे जब पका हुआ निकल आया ऐसे तो उसे फिर से पकाने की क्या जरूरत है, जा कद्दू को कहीं दफना दे। तो इस कमबख्त मारे को ना, इस कमबख्त मारे मनुज को आज तक सब्जी खरीदने का सलीका ना आया। हाँ तुझे आज तक सब्जी खरीदने का सलीका भी ना आया, सब्जी क्यों नहीं खरीद सकता तू? बेटे हमें रोज मारती है, हम रोए चोट मारे को, वो भाव भी वो अपनी मर्जी का।